बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल अल हराम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कुकिंग की जो रेसिपी है वो शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आपके साथ व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि आज मेरे भतीजे की शादी है, तो इसलिए मैं आपके साथ जो व्लॉग है वो शेयर करूँगी इतने दिन तक। तो आज जो है वो मेहंदी है, तो मेहमान जो है वो काफ़ी सारे आ चुके हैं और सभी जो है वो मेहंदी वगैरह लगाने भी वो मसरूफ़ हैं। तो किसी ने तो मेहंदी लगा ली है और अभी कुछ जो है वो वैसे ही बैठी हैं, सब मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि आज मेहंदी का दिन है, तो सब जो है वो मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हैं, सभी बैठे हुए हैं। मेहमान जो है वो काफ़ी सारे आ चुके हैं, माशाल्लाह जी। मेरा छोटा भाई है, ये भी आ चुका है। जी, तो ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है, साथ में इसकी छोटी सी क्यूट सी बेटी है और साथ में इसकी वाइफ है। तो इसी भतीजे की, जो भतीजा बैठा हुआ है, उसके भाई की शादी है। जी, तो ये मेरी अम्मी है और आप सब मिलके दुआ करें कि मेरी अम्मी जो है वो बीमार हैं, इनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। माशाल्लाह, ये भी मेरे भाई हैं, सभी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह, मेरे साथ में सिस्टर बैठी हुई हैं, तो सारे जो हैं वो शादी में शिरकत के लिए आए हुए हैं। काफ़ी मेहमान जो अभी काफ़ी सारे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मेहमान जो अभी रहते हैं। तो माशाल्लाह, ये क्यूटू सा हमारा फूद है और ये भी वीडियो बना रहा है। माशाल्लाह, चेक करें इसको कैसे ये वीडियो जो है वो बना रहा है। सब ने दोपहर का खाना वगैरह जो वो खा लिया है, तो अब हम मिलेंगे रात को, जब हम मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जी, रात का टाइम आ चुका है, तो माशाल्लाह जी, अब रात को देखें कि घर जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा सजाया हुआ है, लाइटिंग शाइटिंग काफ़ी लगी हुई है और बहुत ही प्यारी सी जो लुक है वो आ रही है। तो देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत सा घर जो वो हमारा लग रहा है, मेरे भतीजे का। तो घर को मैंने तो आपको दिखा दिया है, अब हम जाएंगे होटल के अंदर, क्योंकि होटल में हम लोगों ने इंतज़ाम मेहंदी का किया हुआ है। तो अब हम होटल में भी देखते हैं कि मेहमान जो हैं वो कितने सारे आ चुके हैं, तो गैदरिंग वगैरह जो वो शुरू होना हो चुकी है। तो अभी हम जेंट्स की तरफ जाते हैं, तो उधर देखते हैं कि जो कितने मेहमान जो हैं वो आ गए हैं। जी, हम लोगों ने बेसमेंट के नीचे जो है इंतज़ाम किया हुआ है, तो इसलिए आप देखें कि नीचे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो माशाल्लाह जी, आप देखिए कि काफ़ी सारे मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं, अभी कुछ बाहर खड़े हैं और कुछ जो है वो आके बैठ चुके हैं। तो जब मेहमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो खाना वगैरह जो है वो सर्व किया जाएगा, और खाना खाने के बाद जो मेहंदी का मेन फंक्शन है वो शुरू होगा। जिस तरह लेडीज़ की तरफ अब मैं आ चुकी हूँ, तो इधर भी जो मेहमान हैं काफ़ी सारी जो वो आ चुकी हैं और कुछ अभी बाहर हैं, वेट कर रही हैं एक दूसरे का। तो अभी अब सारे जो हैं इधर इकट्ठे, जैसे ही हो जाएंगे मेहमान, तो उनको खाना वगैरह जो वो सर्व किया जाएगा। जैसे ही खाना हम लोग खा लेंगे, तो फिर हम मेहंदी जो है वो उसका जो फंक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तो माशाल्लाह जी, मेरा भाई छोटा मुझसे है, ये भी आ चुका है। तो माशाल्लाह जी, काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं, कुछ मेहमान हैं जो वो अभी रह गए हैं। तो जैसे ही सारे मेहमान जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम जो खाना है वो खाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जी, कितनी रौनक शौनक जो है वो लगी हुई है, मेहंदी के फंक्शन जो है बहुत ही खूबसूरत सा हो रहा है। सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेस जो हैं वो पहने हुए हैं। तो यहूद भी आ चुका है, अब यहूद जो है मसरूफ़ है, ये कहता है कि मेरी वीडियो भी बनाओ। तो जी, अब इसकी जो वीडियो है जो वो बनने लगी है, तो भाग के जो वो बैठ गया है रेडी शेडी होके। जी, तब मैं घर वापस आ चुकी हूँ दोबारा से, और आप देखिए कि घर के अंदर हम लोगों ने मेहंदी का काफ़ी सारा जो सामान जो है वो रखा हुआ है, प्लेटें वगैरह जो है वो तमाम सारी जो है वो सजा के रख ली हैं, और इनके अंदर जो कैंडल्स हैं वो हमने उनको जला लिया है। बहुत ही खूबसूरत सी ये प्लेटें जो वो लग रही हैं, कुछ इधर साइड पर बड़ी प्लेटें भी रखी हुई हैं।
जैसी जी सारी प्लेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगी तो फिर हम मेहंदी लेके तो फिर हम दोबारा होटल की तरफ जाएंगे। तो हम बाहर ढोल शोर सब कुछ बज रहा है, बहुत ही रौनक शौनक लगी हुई है। तो अब देखें कि अब हम लोग मेहंदी लेके जो है वो होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में हैं तो ये ढोल जो है अभी काफ़ी बज रहा है, तो यहाँ पे अभी बच्चे जो है वो डांस वगैरह भी करेंगे, वो सारा कुछ करने के बाद फिर हम होटल के अंदर फिर हम जाएंगे ये मेहंदी लेके। वहाँ पे हम जो मेहंदी का मेन फंक्शन है फिर वो हम करेंगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा आतिशबाजी जो है वो हो रही है। सबसे पहले मेरी अम्मी जी जो है वो मेहंदी लगाएंगी और पेस्ट और जो सगन वगैरह है वो करेंगी। तो मेहंदी का फंक्शन जो है जो तो काफ़ी लंबा सारा होगा, काफ़ी देर तक रहेगा। तो लेकिन मैं अपना जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करूँगी। इस अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।